हर वर्क इज़ डन शी फॉरगेट्स इट, दैट्स वाई इट लास्ट फॉर एवर। जब भी कुछ होगा उसकी हस्ती हमेशा मिटेगी। कर्म फल का सिद्धांत ये तो कहता ही है कि तुम्हें कर्म फल भुगतना पड़ेगा, साथ ही यह भी कहता है कि कोई कर्म फल स्थायी नहीं होता। कर्म बदलते रहते हैं और उनके साथ में कर्मों के फल भी बदलते रहते हैं। तुम आज जो कर रहे हो वो समय में आगे बढ़ता है। तुम यदि समय में बने हुए हो तो तुम उसका फल ग्रहण करोगे और ग्रहण करके तुम एक नया कर्म पैदा करोगे जिसका फल समय में आगे चला जाएगा। तो कर्म फल लगातार बदलता रहता है। लाओत्ज़ू कह रहे हैं, व्हेन हर वर्क इज डन शी फॉरगेट्स इट, दैट इज़ व्हाई इट लास्ट्स फॉर एवर। यदि कर्म फल होगा तो वो लगातार बना रहेगा। बना इस तरीके से रहेगा कि बदलता रहेगा। आज कुछ है, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा। इस दुनिया में जिस भी चीज़ का अस्तित्व है उस अस्तित्व की सीमा भी है समय में, वो अनंत नहीं हो सकता। अगर कहा जा रहा है इट लास्ट फॉर एवर तो इशारा सिर्फ एक तरफ हो सकता है, कुछ ना होने की तरफ। जो है वो तो समाप्त होके रहेगा। हस्ती यदि है किसी भी चीज की तो हस्ती मिट के रहेगी, ये दुनिया का नियम है। यदि हस्ती नहीं मिटती तो उसका अर्थ इतना ही है कि वो चीज़ है नहीं। व्हेन हर वर्क इज डन शी फॉरगेट्स इट, कर्म फल है ही नहीं इसीलिए सदा है। समझो बात को, वॉट लास्ट्स फॉर एवर, द फॉरगेटिंग लास्ट्स फॉर एवर, नॉट द रिजल्ट ऑफ द एक्शन। कुछ उसमें रिजल्ट है ही नहीं, कर्मफल है ही नहीं, एक खालीपन है। वो हो सकता है अनंत। समझ रहे हो बात को? तुमने कहानी यदि शुरू कर दी है तो वो कहानी तो लगातार बदलती रहेगी। कहानी का अर्थ ही है कि जिसमें निरंतर समय और स्थितियों के साथ बदलाव आ रहे हैं। कहानी तो लगातार बदलती ही रहेगी और एक दिन खत्म भी हो जाएगी। कोई कहानी अनंत तक नहीं चल सकती। यदि कुछ ऐसा है जो न बदल रहा है और न खत्म हो रहा है तो वो कहानी के पीछे का मौन ही हो सकता है। बड़ी से बड़ी संख्या भी घिस घिस के छोटी हो जानी है और अंततः विलुप्त हो जानी है। शून्य अकेला ऐसा है जो घट घट के छोटा नहीं होगा, जो बढ़ बढ़ के बड़ा नहीं होगा और जिसकी विलुप्ति का कोई प्रश्न नहीं पैदा होता। कर्म फल बनाना एक नई कहानी को जन्म देने के समान है। हम जो कुछ भी करते हैं लगातार एक नई कहानी पैदा कर रहे होते हैं। क्या देखा नहीं है? तुम किसी से मिलते हो, वो मिलना एक नई कथा का जन्म होता है। तुम किसी से कुछ कह आते हो,
वहाँ से एक धारा बह पड़ती है। कुछ भी हमारे जीवन में कभी खत्म नहीं होता, शुरुआतें हम नई नई करते रहते हैं। उन शुरुआतों का जब अंत होता है तो वो भी पूर्ण अंत नहीं होता। उन अंतों से चार नई धाराएं फूट पड़ती हैं। जीवन हमारा ऐसा ही है। लाओत्ज़ू कह रहे हैं, जब कर्म फल की आकांक्षा नहीं होती, वेन हर वर्क इज डन शी फॉरगेट्स इट। क्या याद रहता है आपको? आपको याद कर्म का फल ही तो रहता है ना, कर्मोपरांत। कर्म के उपरांत आप क्या याद रखते हो? यही तो याद रखते हो कि अब इसका क्या मिलेगा। जब उसकी अभीप्सा नहीं होती है तो कर्म विलुप्त हो जाता है। अभी कोई नई कहानी नहीं आगे बढ़ेगी, मौन शेष रह जाएगा। और वो मौन चिरस्थाई है, इट लास्ट फॉर एवर। कर्म का फल तो मिलता है, दिक्कत ये भी तो है ना कि उस फल को खा पी के खत्म भी तो कर देते हो। तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये लो सेब। यही तो कह रहे हैं। जब फल हो ही ना, जब कर्म के साथ फल की उम्मीद ना जुड़ी हुई हो, जब कर्म किसी वजह से ना किया गया हो, फल तो जब भी होगा तो उस फल से पांच नए फल निकलेंगे। कर्म किया, उसका सेब मिला, सेब खा पी लिया, उसके बीजों से पांच नए पेड़ तैयार कर लिए। अब उनको भुगतते रहिए। और सेब तो ऐसा सुनने में लगता है कि पौष्टिक है, यहाँ तो विष फल मिलते हैं। जब भी किसी वजह से कुछ किया जाएगा, तब करने के बाद उसको भूलना असंभव रहेगा, क्योंकि करना प्रमुख था नहीं, प्रमुख था उसका फल पाना। फल अभी मिला नहीं तो करे को भूल कैसे जाए? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जानकार के साथ कर रहे हैं, अनजान के साथ कर रहे हैं। ये बात नहीं होती है कि आप जिसे दे रहे हैं, आप जिसके साथ कर्म कर रहे हैं, आप उसे जानते हैं या नहीं जानते हैं। आपको कर्म फल की अपेक्षा है या नहीं, ये इस पर निर्भर नहीं करता कि कर्म का विषय क्या है, कर्म किसके संदर्भ में किया गया है। ये निर्भर इस पर करता है कि विषयी कौन है, आप कौन हैं। जिसका मन अर्थ लोलुप होगा, वो चाहे जाने हुए के साथ कर्म करे या अनजाने के साथ कर्म करे, वो उसमें अर्थ ही खोजेगा, वो उसमें फल की ही आकांक्षा करेगा। पर दृष्टि हमारी कुछ ऐसी हो गई है कि अपनी ओर नहीं देख पाती, भीतर मुड़ने के सारे दरवाजे ही हमने बंद कर लिए हैं। हमें लगता है कि फल का लेना देना
दुनिया से है, सामने वाले से है, कि हम किसके संदर्भ में कर्म कर रहे हैं, वो जाना हुआ है या अनजाना है। नहीं, फर्क नहीं पड़ता कि किसके संदर्भ में कर्म हो रहा है, फर्क इससे पड़ता है कि कर्म करने वाला कौन है। जब कर्म करने वाला काम लोलुप है तो वो किसी के साथ भी कर्म करे सिर्फ फल के लालच में ही करेगा। ये सब जो बातें होती हैं कि कुछ विशिष्ट लोग हैं, इनके साथ तो हम बिना फल की अपेक्षा के काम करते हैं और बाकी पूरी दुनिया से हमें फल की उम्मीद होती है, ये बेहूदी बातें हैं। और जो ये बात करे वो मन को समझता नहीं। यदि आपका मन परिष्कृत नहीं है तो आप अपने बेटे को भी यदि एक ग्लास पानी दोगे तो फल की उम्मीद में ही दोगे। बिना फल की उम्मीद के आप एक कदम नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आपका मन अपनी अपूर्णता के भाव के कारण लगातार किसी मंजिल की तलाश में है। उस मंजिल को वो पाना चाहता है कर्म फल के माध्यम से। उसको पता भी नहीं है कि वो जिस मंजिल की तलाश में है वो कर्म के फल द्वारा नहीं मिल सकती। वो कर कर के पहुंचना चाहता है, वो सोचता है कुछ और करूं तो इसके फल स्वरूप वहां तक पहुंच जाऊंगा। कर कर के उस मंजिल तक पहुंचा नहीं जाता। वहां तक तो करने वाले को जान करके और उसके विसर्जन से पहुंचा जाता है। मैं इस बात को दोहरा रहा हूं, जो व्यक्ति दफ्तर में कुछ नहीं करता, यदि उससे उसे दो पैसे का लाभ ना हो रहा हो, वो घर में भी कुछ नहीं करेगा यदि उससे उसे लाभ ना हो रहा हो, क्योंकि उसके मन को पूरी तरीके से लाभ के लिए ही संस्कारित कर दिया गया है। लोग ये सोचते हैं, नहीं नहीं नहीं, दफ्तर में तो हम मुनाफे के लिए काम करते हैं, घर में अपने बच्चों के लिए तो हम निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। ऐसा हो नहीं सकता। जब आप दफ्तर में लगातार अर्थ का पीछा कर रहे होते हो तो घर में भी निस्वार्थ नहीं हो सकते। निस्वार्थ होना तो मन का एक माहौल है, वो माहौल जगह के साथ बदल नहीं जाता। जो कर्मफल का पीछा नहीं कर रहा है वो कर्मफल का ख्याल न बाजार में करेगा, न घर में करेगा, न दफ्तर में करेगा, न मंदिर में करेगा, न अकेले में करेगा, न भीड़ में करेगा। उसे नहीं करना, वो नहीं करेगा, वो कहीं नहीं करेगा। और जिसका मन संस्कारित है फल का ही पीछा करने को, वो सदा फल का ही पीछा करेगा। वो नौकरी भी इसीलिए करेगा कि फल मिल जाए, वो शादी भी इसीलिए करेगा कि फल मिल जाए, वो बच्चे भी फल के ही लालच में पैदा करेगा। वो बच्चों को भी यदि किसी प्रकार की सुविधा और सहूलियत देगा तो इस लालच में ही देगा कि इनसे फल मिलेगा। और दुनिया भर के माँ बापों ने इसके अतिरिक्त कुछ किया नहीं है। प्रमाण इसका ये है कि उनकी पूरी जिंदगी जब फल केंद्रित है तो अपनी औलादों से उनका व्यवहार फल मुक्त कैसे हो सकता है। तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम फल का ही पीछा करते रहे तो अपने बेटी बेटे से भी तो फल ही चाहते हो, और फल नहीं मिलता तो नाराज हो जाते हो, तुम में बेचैनी आ जाती है, तुम अपने भाग्य को कोसते हो कि हमने तो इतना कुछ किया तुम्हारे लिए और तुमने हमारे कुर्बानी का ये सिला दिया। फिर तुम
अचरज में पड़ जाते हो कि जिंदगी दुख से क्यों भरी हुई है। ये दुख तुम्हारे ही द्वारा रचित है, कहीं और से नहीं आ रहा। लाओत्सु तुम्हें समझा रहे हैं, वही जो कृष्ण तुम्हें समझाते हैं, कोई अलग बात नहीं कह रहे। जीवन ऐसा जियो जिसमें पूर्णता पहले ही विद्यमान हो, ताकि तुम्हें कर्म के माध्यम से पूर्णता न तलाशनी पड़े। जीवन पूर्णता के भाव में जियो, ताकि भिखारी समान हालत ना रहे कि कुछ करेंगे तो कुछ मिल जाएगा। जीवन ऐसे जियो कि जो मिलना है वो मिला ही हुआ है, अब कर्म फल की उम्मीद नहीं रहेगी। अब इस आस में नहीं जियोगे कि कल सुनहरा होगा। तुम कहोगे जो सुनहरा होना है वो तो है ही, बाकी तो खेल है, खेल रहे हैं।